जीवन में हार मानने से पहले इस बुद्ध की कहानी को जरूर सुनना। महात्मा बुद्ध एक गांव के पास से होते हुए जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा एक अधीर व्यक्ति चट्टान के ऊपर बैठा रो रहा है। बुद्ध उसके पास गए और उससे उसके रोने का कारण पूछा। भगवान बुद्ध को देख वह व्यक्ति चुप हुआ और अपने आंसू पोंछते हुए बोला, हे महात्मा, मैं पास ही के गाँव में रहने वाला एक साधारण सा व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपना घर गिरवी रख दिया था, अपनी पत्नी के गहने गवा दिए, यहाँ तक कि अपने रिश्ते, अपने घर वालों को भी खो दिया। मुझे लगता है कि मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है, इस दुनिया में रहने का मेरा कोई अर्थ नहीं बचता। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि वत्स, किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? और अगर कहा है तो तुम्हारी किस्मत में क्या खराब है, जरा मैं भी तो जानूं। वह व्यापारी बताता है कि हे महात्मा, पहले मैं खेती करता था। जब मैं फसल उगाता तो बारिश नहीं होती, और अगर बारिश होती तो इतनी ज्यादा होती कि सब कुछ नष्ट हो जाता। लगातार नुकसान होने के कारण मैंने अपना व्यापार बदल लिया। मैंने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रख कर एक नया व्यापार शुरू किया। मेरी बुरी किस्मत के कारण वह व्यापार भी नहीं चला। शुरू शुरू में तो मेरे घर वालों ने मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे नुकसान बढ़ता चला गया, मेरे घर वाले मुझसे दूर होते चले गए। मेरे भाई ने मुझसे बात करना बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगा कहीं मैं उससे पैसे ना मांग लूं। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी मुझे ही इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। अरे, उन्हें तो समझना चाहिए था कि मैं उनके लिए ही ये सब कर रहा हूँ, उल्टा वह लोग मुझे इस दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। गहरी लंबी सांस लेने के बाद वह व्यक्ति बोला, गांव से मेरे साथ मेरा मित्र भी आया था, हम दोनों ने साथ में ही व्यापार शुरू किया था। आज उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा है। जब भी वह हमारे घर आता है तो अपनी तरक्की के किस्से सुनाता है। यह देखकर मेरे घर वाले कहते हैं कि मेरे बस का कुछ भी नहीं है। उन लोगों के ऐसे ताने सुनकर मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मेरे बस का कुछ है ही नहीं। अब तो मुझे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा है। मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं अपना जीवन यही समाप्त कर लूं। मैं यहाँ पर आया भी इसी ही इरादे से था, मगर हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैं यहाँ बैठकर विलाप कर रहा हूँ। बुद्ध बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर ही दुखी हो जाते हो? तो वह व्यापारी बोला, हाँ प्रभु, मैं उसकी बातों से ही दुखी हो जाता हूँ। बुद्ध बोले, तो तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने मित्र के सफल होने का या अपने असफल होने का? यह सवाल सुनने के बाद वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। वह कुछ देर बाद उत्तर देता है, सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने से ज्यादा अपने मित्र के सफल होने से ईर्ष्या होती है। तभी बुद्ध मुस्कुरा कर बोले, अर्थात अगर तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी, है ना? वह व्यक्ति बोला, हाँ प्रभु, मुझे तो बड़ी खुशी होगी। तो बुद्ध बोले, यह तो बहुत बढ़िया बात है, इसका मतलब तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, और यही नहीं, अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी भी कर सकता है। वह व्यक्ति बोला, हाँ प्रभु, शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। बुद्ध बोले, इसका मतलब तुम्हारी खुशी और तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा मित्र है, उसके हाथों में ही तुम्हारी खुशी और दुख है। अगर तुम्हारी भावनाएं किसी और के वश में है तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो। वह कहता है, नहीं महात्मन, ऐसा मत कहिए, मैं अपने मित्र का गुलाम नहीं, यह बात मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बुद्ध बोले, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने तुम्हारे घर आता है, मगर अगर विचार करो तो वह सच बातें ही तो बताता है, वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें ही तो बताता है। तुम अगर चाहो तो उससे बहुत कुछ सीख सकते हो, इसके लिए तुम्हें उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे बैठे ही कुछ अनुभव मिल रहा है। तुम उस अनुभव का लाभ उठाओ, हार मत मानो, कर्म करते चलो, बजाय अपने मित्र से ईर्ष्या करने के तुम उसका धन्यवाद करो। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त और बुरी किस्मत का नाम दे रहे हो, वह एक दिन बदल जाएगी, और जायज बात है तब तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और एक बात जरूर देखना कि जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा, तब तुम्हारा मित्र अपनी सफलताओं की कहानियां तुम्हें नहीं सुनाएगा, तब वह तुम्हें अपनी असफलताओं की बातें बताएगा, ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ। वह ऐसा इसलिए करेगा ताकि तुम उसकी असफलताओं की कहानियां सुनो
और अपना काम भी ध्यान से ना कर पाओ, ताकि तुम भी असफल होने के डर से गलत निर्णय ले सको, उसका डटकर मुकाबला ना कर सको। देखो, एक साधारण सी बात को ध्यान से समझो। जिस प्रकार तुम्हें अपने मित्र को दुखी देखने में मजा आएगा, उसी प्रकार तुम्हारे मित्र को तुम्हें दुखी देखकर मजा आता है। और रही बात तुम्हारे परिवार की, यदि तुम उन्हें अपना परिवार मानते हो तो वह भी यही चाहते हैं कि तुम सफल हो। तुम भी अपने दोस्त की तरह ही अपनी सफलताओं की कहानियां सुनाओ। जब तक तुम अपनी खुशी और अपने दुख के ताले की चाबी किसी और के हाथ में देते हो, तब तक तुम अपने जीवन में परेशान ही रहोगे। इसीलिए अपना सारा ध्यान लोगों की बातों पर से हटाकर अपने काम पर डालो। यह बात सुनने के बाद वह व्यापारी बोला, शायद आप सही कह रहे हैं। अब तक मैं इसीलिए परेशान रहता था क्योंकि मैं दूसरों को इसका जिम्मेदार समझता था। मैंने इस चीज की जिम्मेदारी स्वयं नहीं उठाई। मैं आपसे वादा करता हूँ, अब से मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूंगा और दुगना प्रयत्न करूंगा, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती चैन से नहीं बैठूंगा। बुद्ध बोले, बहुत अच्छे, लेकिन एक बात सुनो, अगर ऐसा हुआ कि आगे इससे भी बुरा समय आया तब तुम क्या करोगे? तो वह आदमी बोला, पता नहीं। तो बुद्ध मुस्कुराते हुए उसे एक डिब्बिया देते हैं और कहते हैं कि इस डिब्बी को हमेशा अपने पास रखना, और कहते हैं कि इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुखों से बाहर निकाल लेगा, लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में तुम्हें कोई रास्ता दिखाई ना दे, वरना इसे खोलना व्यर्थ हो जाएगा। उस व्यक्ति ने बुद्ध से वादा किया और वह डिब्बी लेकर वहाँ से चला गया। उसने वापस से उत्साह के साथ अपना व्यापार शुरू किया। अपनी मेहनत और लगन के कारण उसका व्यापार चल उठा और वह देखते ही देखते अमीर बन गया। उसके परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन अच्छे से बीतने लगा। लेकिन दोस्त, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वक्त बदलता रहता है। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी देश के राजा ने हमला कर दिया। वह जिस जगह रहता था वह जगह भी कब्जे में कर ली। उसकी दुकान को आग लगाकर उसका सारा धन भी लूट लिया गया। वह अपनी जान बचाकर अपने परिवार वालों के साथ कहीं और भाग गया। वह व्यक्ति कई दिनों तक अपने परिवार वालों के साथ इधर उधर भटकता रहा। इस दौरान वह दाने दाने का मोहताज हो गया। उसका छोटा बच्चा भी बीमार पड़ गया और इलाज के अभाव में वह तड़पने लगा। यह देखकर उसका हृदय चिटकार उठा और वह बोला, भला मैं कैसे अपने बच्चे का इलाज कराऊं? मेरे पास तो खाने तक के पैसे नहीं। ऐसे में उस व्यक्ति को एक बार फिर निराशा ने घेर लिया। उसे लगा उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप अपने जीवन में कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी सफलता हासिल कर लो, मगर अंत में यह जीवन समाप्त ही हो जाता है, तो ऐसे में जीवित रहने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि वह अपने जीवन को ही समाप्त कर ले। उसे तभी अचानक बुद्ध की दी हुई डिब्बिया याद आती है। तभी वह भागा भागा अपने कपड़ों के बक्से में उस डिब्बिया को ढूंढता है, और जैसे ही उसे डिब्बी मिली उसने उसे खोला। खोलते ही उसे डिब्बी के अंदर से एक छोटी सी पर्ची मिली। पर्ची पर जो लिखा था उसे पढ़कर उसकी आंखों के आगे जो काले बादल छाए थे वह सभी छट गए और वह मुस्कुराने लगा। उस पर्ची पर लिखा था कि यह समय भी बीत जाएगा। उसने उस डिब्बिया को अपनी मुट्ठी में दाब लिया और उत्साह के साथ एक नई शुरुआत के लिए खड़ा हो गया।